अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी खांकी अखाड़े में श्री गुरु पंचामृतम नवम पुष्प अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां प्रतिदिन धार्मिक आयोजनों की गंगा बह रही है। श्री विभूषित सांकेतवासी श्री गुरुदेव भगवान राम दुलारेदास जी महाराज के नवम सांकेतोत्सव के उपलक्ष में श्री गुरु पंचामृतम नवम पुष्पामृत महोत्सव 27 दिसंबर से प्रारंभ हुआ, जो 5 जनवरी तक चलेगा। जिसकी जानकारी देते हुए श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ कथा व्यासाचार्य डॉक्टर रामानंद दास जी महाराज ने बताया कि श्री गुरु पंचामृतम के 5 पुष्प के रूप में पंच यज्ञ श्री मारुति महायज्ञ, श्री रामचरित मानस अष्टोत्तर शत 108 पारायण रूप जप महायज्ञ, नवदीसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ श्री रामार्चन महायज्ञ, श्री अन्नकूट महोत्सव, छपन भोग एवं श्री वैष्णव आराधन ब्रह्म यज्ञ का भव्य आयोजन होगा। अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी खांकी अखाड़े के श्री महंत अर्जुन दास खांकी ने बताया कि मगलनाथ रोड स्थित अंकपात चौराहा पर श्री राम जानकी मंदिर खांकी अखाड़ा में भगवान महाकाल की अध्यक्षता में श्री गुरु पंचामृतम नवम पुष्पामृत महोत्सव मनाया जा रहा है। महंत अर्जुन दास खांकी के प्रसादित मंदिर श्री गुरु कृपा ही के विलम्ब के फलस्वरूप यह दिव्य पुष्प श्री गुरुदेव राम दुलारे दास जी महाराज को समर्पित है। यज्ञाचार पारायण व्यास मधुरेश अयोध्या मणिराम दास छावनी द्वारा कराया जा रहा है। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ कथा व्यास आचार्य डॉक्टर रामानंद दास जी महाराज द्वारा श्रद्धाओं को सुनाई जा रही है। पकाते हैं, पचाते हैं और आपके रसोई घर में वे अग्नि देवता भोजन को अन्न को पकाते हैं। अयोध्या से पधारे हुए बड़ी संख्या में संत महात्माओं के द्वारा श्री रामचरित मानस का अष्टोत्तर शत यानी 108 से अधिक महापुरुषों के द्वारा नित्य पारायण हो रहा है। दूसरा जिसे जप यज्ञ कहा गया है, तो हवन यज्ञ, जप यज्ञ। तीसरा ज्ञान यज्ञ जो श्री राम कथा के रूप में अयोध्या से आए हुए महापुरुष के द्वारा किया जा रहा है। और चौथा 4 तारीख को श्री रामार्चन महायज्ञ जो अयोध्या की परंपरा का सबसे विशिष्ट यज्ञ है वह आयोजित है, वो भी होगा।